हेलो दोस्तों, अमेजन प्राइम के ऊपर एक मूवी आई है जिसका नाम है रोल प्ले। अभी मूवी कैसी है, इस मूवी के ऊपर आप लोगों को अपना कीमती वक्त देना चाहिए भी या नहीं, यही सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन मूवी की रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं लाता हूँ रोज़ाना आप लोगों के लिए इसी तरीके से हॉलीवुड की मूवी जब हिंदी डब के अंदर आ जाती है तो उसकी रिव्यू। तो दोस्तों ये मूवी भी आपको इजीली हिंदी डब के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। चले अब चलते हैं इस मूवी की रिव्यू की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक औरत जिसका नाम होता है एमा, और ये अपने लेंस वेंस लगा के एक मिशन में लगी निकली हुई होती है, और ये लोगों को मार रही होती है। लेकिन असल में ये दोहरी जिंदगी जी रही होती है। ये वैसे तो एक जो है किलर होती है, लेकिन ये अपनी दूसरी जिंदगी में एक बहुत अच्छी सी जो है ना एक वाइफ और एक मॉम बनी हुई होती है। फिर ये अपने शौहर के पास आ जाती है इस काम को करके। इसका शौहर एक नॉर्मल आदमी होता है, तो ये लोग जो है क्योंकि ये औरत काफ़ी दिनों बाद आती है तो इसका शौहर जरा मूड में होता है, इसके पास जाता है और इसको बोलता है कि यार ये गिफ्ट देता है, कि यार हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट है, और वो उसको एक नर्स का सूट देता है रोल प्ले करने के लिए। तो ये उसको बोलती है कि रोल प्ले हम यहाँ नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, कल किसी होटल के अंदर। तो बोलता है ठीक है, मतलब एक दूसरे को पहचाने के नहीं एक रोल प्ले करेंगे। ये अगले दिन चले जाते हैं वहाँ रोल प्ले करते हैं, लेकिन वहाँ रोल प्ले करने के दौरान कुछ एक कांड हो जाता है। अब वो क्या कांड होता है ये तो आपको इस मूवी के अंदर ही देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ये अपनी दूसरी जिंदगी जी रही है, इस बात का भी इसके शौहर को पता चल जाता है। और इसके अंदर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल कॉमन है, जो हर मूवी के अंदर स्पाई के अंदर दिखाई जाती है कि भाई तुम अगर एक किलर हो या तुम एक एजेंट हो तो तुम्हारी फैमिली जो है वो खतरे में है, और तुम्हारी फैमिली को ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि ये होती भी मोस्ट वांटेड लीड्स पे। तो बस इसमें भी यही दिखाया गया है कि आगे कहानी में क्या होगा जब इसके शौहर को पता चलता है, और क्या क्या चीज़ें होंगी, यही सब इस मूवी के अंदर आपको दिखाया जाएगा। मूवी की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मूवी के अंदर जो है वो एक्शन भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि अगर एक किलर बनाया या एजेंट बनाया तो किलर एक्शन तो हो नहीं है, छोटा छोटा सा एक्शन है जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर आपको एंड में जाके एक्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वैसे अगर इसकी आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इसकी आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है 5.5 की। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे ये ओवरऑल मूवी कैसी लगी, तो दोस्तों ये मूवी जो है वन टाइम वॉच है, मतलब अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, अगर कुछ है इससे अच्छा देखने के लिए तो आप उसको देख लीजिए, और अगर आप इसको देख रहे हैं तो बस एक दफ़ा देखने के लिए, एक दफ़ा के लिए आपका जो है ना बस ये ठीक ठाक से टाइम पास करवा देगी। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें।